तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ भोपाल के लाल परेड मैदान में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी गाड़ी खड़ी है। तो आपको मैं अंदर जाके बताता हूँ यहाँ पे किस किस चीज़ की दुकानें यानी लगी हुई है। तो बने रहें गाइस हमारे साथ, आज आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। तो गाइस, मैं अंदर आ चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में। जैसे कि दुकान स्टॉल वगैरह लगे हुए, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा घुमा फिरा के। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये लकड़ी के बने हुए बैठने का है, पीढ़ है, और कुछ है लड्डू वगैरह ये बने हैं, हर्बल है सारे, जैसे आप देख पा रहे हैं गुड़ के। तो मैं मेले में घूम रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ। छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, ये सारे खाने पीने के आइटम्स और दिख रहा है आपको ये सारी चीज़ें। तो मैं घुमा के दिखा देता हूँ इधर क्या क्या। तो गाइस, ये जड़ी बूटों की दुकान लगी है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे गिलोय है, गोरख, ये सारी चीज़ें। आपको और दुकान दिखाता हूँ और लगी हुई है, बने रहे हमारे साथ। ये देखो गाइस, हम पूरा आज हर्बल चीज़ें मिलेगी आपको, ये रखी ये गिलोय है। हाँ, आप देख रहे हैं जड़ी बूटियाँ हैं आसपास और चारों तरफ जड़ी बूटियाँ वाला क्षेत्र है, जो जिस जगह में आया हूँ वैसे आप देख रहे हो। ये बांस की जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे आप देख रहे हो शीट है बांस की है। ये बेम्बू बांस की कुछ चेयर्स बनी हुई हैं, टेबल्स है, कुर्सी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बोटल्स है, काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं बांस। आप देख रहे हो सारे हर्बल आइटम्स की दुकान लगे हुए, जैसे आप देख रहे हो शहद है, अचार है, कैसे वाला लाल, ये लाल परेड भोपाल में लगा हुआ है मेरे आज लास्ट। हर्बल जो दवाइयाँ होती है, आयुर्वेद की दवाइयाँ, उसकी दुकानें काफ़ी है, जैसे आप देख रहे हो। लकड़ी की कंगी, काफ़ी समय हो गया हमें यहाँ पर, और निकलता हूँ मैं, मशरूम वगैरह सेल करना है, लेके आया था सर तो आए नहीं पास पास, गड़बड़ जाने उनकी वाइफ का। तब हम निकलते हैं गाइस, चलिए बताते हैं आप। तो अब मेरा निकलने की तैयारी हो गई है, मैं मशरूम लेकर आया हूँ तो इसे भी सेल करना था, अब निकल रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला तो देख लिया, बाकी जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में आपको दिखाया, ये तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं मेले के अंदर, बाकी इधर दिख नहीं रही, जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर ये भीड़ लगी हुई है। तो अब निकलते हैं घर की ओर, प्रस्थान, सॉरी घर नहीं, मशरूम सेल करना है ऐसा गाइस। तो ठीक है, बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग पर। और गाइस आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, ये लाइन चलते आ रही है बहुत पीछे से। तो दोस्तों, मैं अब घर पहुंच चुका हूं, मैंने सारे मशरूम सेल कर दिया और अच्छा रहा आज का दिन, संडे स्पेशल मेरा। तो गाइस हमारे साथ आप यहां तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।